हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चिकन बिरयानी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिया है चिकन बिरयानी बनाने के लिए प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च और हरा धनिया। और इसके बाद हम इसका पेस्ट तैयार करेंगे। अब मैंने यहाँ पे जो पेस्ट तैयार किया है, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट तैयार किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे अदरक, लहसुन, हरा धनिया और मिर्च का पेस्ट तैयार किया है। उसके बाद हमने यहाँ पे टमाटर का पेस्ट बना लिया है। अब हम यहाँ पे लेंगे चिकन और इसका करेंगे मैरिनेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे चिकन ले लिया है। इसके बाद हम इसमें मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन करने के लिए हम यहाँ लेंगे हरा धनिया, अदरक, लहसुन और मिर्च का पेस्ट, और हम यहाँ पे पूरा पेस्ट डाल देंगे। आप मिर्च अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं कि आपको कितना तीखा पसंद है। इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे दही। तो हम यहाँ 4 से 5 चम्मच दही डाल रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे हल्दी पाउडर। अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं लाल मिर्च पाउडर। और अब हम यहाँ पे डालेंगे 1/2 चम्मच नमक। इसके बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इसे मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद हम इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे राइस। अब हमने यहाँ पे ले लिया है बिरयानी का राइस। अब हम इसमें डाल रहे हैं 2 ग्लास पानी। और अब हम इसे 15 मिनट तक के लिए भिगो कर रखेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से फूल जाए। इसके बाद फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे ली है एक गंजी। और अब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच घी। घी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच ऑयल। और जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे जो मैं चिकन का मैरिनेशन करके रखा था, तो इसे 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे चिकन डालेंगे। अब मैंने यहाँ पे सारे चिकन डाल दिया है और अब हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि आपको इसे ओवर कुक नहीं करना है, हमें इसे हाफ कुक करना है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढक्कन से ढाँक देंगे और गैस की आँच को धीमा रखेंगे। 5 मिनट के बाद हमने ढक्कन हटाया और ये हो चुका है। तो हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से हो गया है ये। अब हम इसे निकालेंगे। अब हम यहाँ इसे किसी भी प्लेट में निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ इसे निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा चिकन है वो थोड़े ब्राउन कलर के हो चुके हैं। और इसके बाद जो गंजी में ऑयल बचा है, अब इस ऑयल में हम यहाँ पे खड़ा गरम मसाला डालेंगे। तो अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं तेज पत्ता, 4 से 5 लौंग, 4 से 5 काली मिर्च, जायफल और दालचीनी, जीरा। अब हम इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट। इसके बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे पानी। आपको ध्यान रखना है कि आपको इसे अच्छी तरीके से भूनना है। अब हमने इसमें ढक दिया है ढक्कन। अब हम इसे 5 मिनट तक अच्छे तरीके से होने देंगे। आपको गैस की आंच को तेज रखना है। अब यहाँ पे हमारा जो राइस है वो अच्छे तरीके से फूल गए हैं। 5 मिनट के बाद हमने यहाँ पे ढक्कन को हटाया, तो ये हमारा जो मसाला है वो अच्छे से पक चुका है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हरे मटर। और अब हमने यहाँ पे राइस को धो लिया है और इसका सारा पानी निकाल दिया है एक छन्नी में रखकर। इसके बाद फ्रेंड्स, हम यहाँ पे लेंगे 1 चम्मच घी और यहाँ पे डालेंगे काली मिर्च, जीरा और दालचीनी और 1 तेज़पत्ता। अब हम यहाँ पे डालेंगे पानी। और इसके बाद हमने जो राइस धोकर रखे हैं, अब हम इसमें राइस डालेंगे। राइस डालने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे 2 से 3 चम्मच नींबू का रस। हरा मटर डालने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे टमाटर का प्योरे। इसके बाद यहाँ पे जो मैरिनेशन वाला दही है, अब हम यहाँ पे दही डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसे
अच्छे तरीके से पकाएंगे जब तक इसका ऑयल ऊपर ना आ जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा राइस यहाँ पे आधा पक चुका है और मैंने यहाँ पे डाला है थोड़ा सा नमक। इसके बाद मैं यहाँ पे गैस को ऑफ कर दूंगी और अब हम ये राइस को एक छन्नी में छना लेंगे और इसका सारा पानी हटा देंगे। अब फ्रेंड्स, हमारा ये मसाला अच्छे से पक चुका है तो इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे 2 चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच कस्तूरी लाल मिर्च और आधा चम्मच हल्दी और स्वाद अनुसार नमक। अब हमने यहाँ पे सारे मसाले डाल दिए हैं और अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके ऊपर 2 मिनट तक ढक्कन को ढाकेंगे और इसे धीमी आँच में पकने देंगे। फ्रेंड्स, 2 मिनट के बाद हमने यहाँ पे ढक्कन हटाया तो आप देख सकते हैं कि इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ गया है, मतलब ये जो हमारा मसाला है वो बहुत अच्छे से पक गया है। इसके बाद हमने यहाँ पे जो चिकन को फ्राई करके रखा था, अब हम इसमें ये चिकन डालेंगे। अब हमने यहाँ पे सारे चिकन डाल दिए हैं, अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हमने जो चावल पका के रखा है, अब हम इसमें चावल को डालेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे चिकन की ग्रेवी को नहीं निकाल रही हूँ, मैं यहाँ पे पूरा राइस डाल दूँगी। हम यहाँ कोई लेयर नहीं बनाएंगे। हमने यहाँ पे थोड़ा राइस डाला है और इसे अच्छे तरीके से फैला लेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे डाल रहे हैं ग्रीन फूड कलर, रेड फूड कलर। फूड कलर डालने के बाद फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे फिर से डाला है राइस और इसके बाद फिर से इसके ऊपर डाल रहे हैं रेड फूड कलर, ग्रीन फूड कलर और येलो फूड कलर। फ्रेंड्स, फूड कलर डालने के बाद हम यहाँ इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। आपको ध्यान रखना है कि आपका चावल टूटे नहीं, इसलिए आपको धीरे धीरे इसे मिला लेना है ताकि जो मसाले का टेस्ट है वो सारे चावल में अच्छे से आ जाए। अब हमने यहाँ पे चिकन बिरयानी को अच्छे से मिला लिया है। अब इसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे हरा धनिया। इसके बाद हमने यहाँ पे लिया है एक तवा और हम यहाँ पे धीमी आंच में बिरयानी को पकाएंगे। अब हम इसके ऊपर ढकेंगे एक ढक्कन। तो फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पे इसे ढक दिया है। तो फ्रेंड्स, धीमी आंच में पकने के बाद हमारी जो बिरयानी है वो बनके तैयार हो गई है। इसके बाद हम यहाँ पे बिरयानी को एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप भी इसी तरीके से बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे दिए गए हुए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।